गाइज आप देख सकते हो ये हमारे यहाँ पे ये फैसिलिटी है, आपको अंदर तक जाना है तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो हमें अंदर तक लेके जाता है। हम सब ये सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, एक्चुअली लंबी लाइन है देख सकते हो आप सब। लोग को हमारी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल गया है और अब इंतजार खत्म होने वाला है। वी आर गोइंग टू द ताजमहल, लेट्स सी लावा फॉल। एंट्री गेट है ताजमहल के अंदर जाने का और रास्ता यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, हमको घूम के जाना। गाइस आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे कितनी भीड़ है। अरे कोई भी लाइन ना जा, मैं उधर बस इस लाइन के जरिए खड़ा हूँ। गाइस यहाँ पे लेडीज और जेंट्स की क्यू अलग अलग लगती है, तो अब हमारे हस्बैंड अलग हो चुके हैं हमसे थोड़ी देर के। ये देख सकते हैं आप ये एंट्री है हमारी, अब इसके यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और रास्ता काफी लंबा है, नहीं कह सकते कितना है। लेकिन इस फोटो में आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन ब्रिटिश लोगों को गार्डन पसंद था, धीरे धीरे उन्होंने पेड़ों को कम करना शुरू किया। जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने बताया कि धीरे धीरे हमारे पेड़ों को कम करा और हमारा जो ताजमहल का पिक्चर है वो इस तरह से चेंज होता चला गया। उन्होंने थोड़ा गार्डन बनाया पेड़ों को काटकर, तो अब देख सकते हैं कि अब यहाँ पे वो पेड़ नहीं है और गार्डन है उसकी जगह। ब्रिटिश लोगों के अंदर में था, देख सकते हैं यहाँ पे 1959 में हमको ये हैंड ओवर हुआ है, उससे पहले ये हमारी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं लोगों का आना जाना 1959 से स्टार्ट हुआ है। सी ये हमारे ताजमहल का फर्स्ट कलर फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे कलर फोटो स्टार्ट हो गए हैं और ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो ताजमहल है वो येलो हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट केमिकल फैक्ट्री, फिर उसे मुल्तानी मिट्टी से साफ करके कुछ इस तरह का कर दिया गया है। यहाँ से मैं थोड़ी ताजमहल वाली वाइब्स आनी स्टार्ट हो गई, देख सकते हैं इतना सुंदर और हमारे इतिहास का इतना ब्यूटीफुल नजारा जो हमने आज तक संभाल के रखा है। एंड कैन सी दैट वाइट बिल्डिंग दैट दिस ताजमहल। देखिए ये ताजमहल का फोर कोर्ट एरिया है, यानी ताजमहल की साथ ही बना था। फोर कोर्ट का मतलब है चार गेट, पहला ईस्ट गेट है, दूसरा वेस्ट गेट है, ये साउथ गेट है, ये ताजमहल का नॉर्थ गेट है। हाँ ये नॉर्थ गेट ही ताजमहल का मेन गेट है, क्योंकि ताजमहल वो है सामने व्हाइट मार्क, देख सकते हैं आप दूर से दिख रहा है बट कैन सी 35 मीटर है। इसके ऊपर आप देखेंगे छोटे छोटे व्हाइट मार्बल डॉम्स हैं, 11 इसके पीछे हैं, 22 हैं, 22 डॉम हैं, क्योंकि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे, 22 इयर्स लगे थे। 1631 में शुरू किया गया, जैसे कि हमने सुना ताजमहल को बनने में 22 इयर्स लगे थे, इसलिए इसमें 22 डॉम्स बनाए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर 20,000 वर्कर्स ने काम किया था, लेकिन 20,000 वर्कर्स ने जब काम किया तो उनके रहने के लिए रूम बनाए थे 210 रूम्स, 210 कमरे। ये रूम आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये जो जिन्होंने ताजमहल बनाया उन वर्कर्स के रहने के लिए बनाए गए थे। ये लाल पत्थर का है जो फतेहपुर सीकरी से आया, यहाँ से और ये लाल पत्थर का बना हुआ है। अंदर जो ताजमहल वो मकराना मार्बल है राजस्थान का, 350 किलोमीटर, लेकिन उस टाइम ये सब ट्रांसपोर्ट जो है हाथियों से किया गया था। 10,000 एलिफेंट ब्रॉड द मार्बल कंटिन्यू 22 ईयर्स। तो पहले ये बनाया कि ताजमहल को पहले ताजमहल बना 17 ईयर ताजमहल का मैप है, ये जो मैप है उसकी कॉपी को यहाँ लगाया गया है, किस तरीके से ये प्लान किया है आप देख सकते हैं। हम इसका गेट के अंदर आ चुके हैं और कैसा दिखता है, और हमें ताजमहल यहाँ से देखना फाइनली स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं अब हमें फाइनली ताजमहल दिखना स्टार्ट हो गया है। एंड मस्ट से इट्स सो ब्यूटीफुल। मुमताज ने उनकी शादी की साया से 19 साल की थी, लेकिन बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई 1839। तो साजा के साथ सिर्फ 20 साल रही, और 20 साल के अंदर उनसे 14 बच्चे पैदा हुए, लेकिन 8 मर गए ऑन चाइल्ड बर्थ, 6 बच्चे, 2 बेटी और 4 बेटे।
बेटी का नाम जहान आरा रोशन आरा, बेटे का नाम दाराजी रणजीत सिंह। ममता ने 14वें नंबर के बच्चे को जन्म दिया तभी उनकी तबीयत खराब हुई, डेथ हो गई। तो मंदिर से चले, उन्होंने साया से वादा ले लिया कि अगर वाकई में उनसे प्यार करते थे, उनकी याद में ऐसी इमारत बनाए तो लोग उन्हें हमेशा याद करते। साया ने उसी वादे को पूरा किया। सबसे पहले उनकी बॉडी को ले गए, अंदर बरिट करवाया, उसका ताजमहल को बनाना शुरू करा। इसके बनने में 22 साल लगे। देख सकते हैं ये टेबल बहुत ही फेमस है, हम सबने इसके फोटोज हैं देखे हैं। यहाँ पे सब लोग स्पेशली फोटोज के लिए ये टेबल्स बनाए गए हैं। लोग इतना क्यू में लगे हैं, अपना वेट कर रहे हैं। ये बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं यहाँ पे। मैंने आपके ऐसे थोड़ी बोला है, आप बैठ लीजिए। और सीरियसली इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर। स्वागत करती है, इसलिए यहाँ पर ही बनाया हुआ है। अब ताजमहल की ओर जाते हुए फाइनली और टाइम हो रहा है 11:30। सो आप देख सकते हैं हम लोग 10:00 शार्प यहाँ थे और डेढ़ घंटा हमको यहाँ फोटोग्राफी और बाकी चीजों में लग गया। देख सकते हो इतना खूबसूरत है, सीरियसली जैसा कि हमने बचपन में सुना और पढ़ा वो आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। वाह मत से वाह। देखो गाइस यहाँ से ताजमहल का व्यू बिल्कुल पास से हम देख सकते हैं, एकदम चमकता हुआ सफेद पत्थर है। ये मार्बल है जो कि जब उस टाइम लाया गया था तो जयपुर से लाया गया था और उस टाइम कोई ट्रैवलिंग सोर्स नहीं होते थे तो हाथियों को यूज़ किया रहा था ये पत्थर लाने के लिए जयपुर से। और अगर हमको उसको मार्बल की वॉल्स को टच करना है तो इस तरह के शूज़ कवर्स हमें पहनने पड़ते हैं। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं वहाँ पे जाने के लिए जो चार्जेबल है। फोटो लिखे सके ये एंट्री गेट है और इसके बाद कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं बंद कर रही हूँ। गाइस ये यमुना रिवर है, अभी है, अभी भी इसमें बहुत कम पानी है लेकिन मानसून में ये फुल हो जाती है। और ये इलाहाबाद में इसका संगम होता है जिसको प्रयागराज कहते हैं और संगम होने का गंगा के साथ ये वाराणसी आती है। इस नदी को इस तरफ आप देखेंगे गोल्ड फाउंडेशन है और एक छोटा सा मीनार है। ये साजा का प्रोग्राम था ब्लैक मार्बल ताजमहल का। अच्छा 1658 में शुरू किया था फाउंडेशन। और मैं तुझे क्या कहता हूँ।